भारत की जीत में दीवार बनकर खड़े हो गए इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पॉप, और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से अब ये साबित कर दिया है कि या तो जीत होगी भारत की या फिर इंग्लैंड की पहले टेस्ट मुकाबले में। जी हाँ, आप सब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल इंग्लैंड की टीम ने पहले टेस्ट मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और रवि जडेजा के शानदार अर्धशतक की मदद से 436 रन बनाए और 190 रनों की बड़ी बढ़त ले ली। फिर क्या था, इंग्लैंड की टीम 190 रनों से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में ओली पॉप ने शानदार 148 रनों की पारी खेली, जिस वजह से इंग्लैंड की टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 126 रनों की बढ़त ले ली थी। और चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले यदि भारतीय टीम 200 से नीचे रोक देती है इंग्लैंड की टीम को तो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अगर इंग्लैंड की टीम 200 से ज्यादा का स्कोर बनाती है तो फिर इंग्लैंड की टीम को रोक पाना भारतीय बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि चौथे दिन बल्लेबाजी करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, और रन बनाना और स्पिनर्स के सामने खेलना ये आसान बात नहीं है। तो भारतीय गेंदबाजों को ये कोशिश करनी होगी कि 200 से नीचे इंग्लैंड को रोक दे। और हम बात कर रहे थे ओली पॉप कैसे दीवार बन गए, क्योंकि वो बंदा अकेले ही खड़ा रहा। इंग्लैंड की टीम ने 316 रन बनाए जिसमें 148 रन ओली पॉप का ही है, तो बंदे ने आधा काम अकेले किया है इंग्लैंड के लिए। बाकी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अगर ओली पॉप की 148 रनों को हटा दिया जाए तो उन्होंने उतना रन बनाए हैं, क्योंकि अगर ओली पॉप ज्यादा देर और खेलते रहे तो भारत के लिए मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक छोर से विकेट भी संभाला हुआ है और तेज भी खेल रहे हैं। उन्होंने मात्र 208 गेंदों में 148 रन बनाए हैं। अगर ओली पॉप एक छोर संभाल कर इसी तरह खेलते रहे और पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ रन बनाते रहे तो 200 से ज्यादा स्कोर भी बनाएंगे और अपनी टीम के लिए जीत का रास्ता भी खोल देंगे। अभी तो भारत की गिरफ्त में है ये पूरा मैच, लेकिन अगर भारतीय गेंदबाजों ने 200 से नीचे ऑल आउट नहीं किया इंग्लैंड की टीम को तो ये जीत भारत की गिरफ्त से काफी बाहर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं भारतीय टीम ओली पॉप को जल्द से जल्द आउट करेगी और भारत को 200 से नीचे का लक्ष्य मिलेगा और भारत पहला टेस्ट मुकाबला जीतेगी। गाइज, आप सब जरूर बताइएगा पहला टेस्ट मुकाबला भारत कितने विकेट से जीतेगी।